निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। जैसा कि आप जानते हैं कि डीपीएस हमेशा ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पे फोकस करता है, तो इसी मिशन के तहत हम लोग काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के साथ में आ रहे हैं। एक तो एनुअल एथलेटिक मीट है जिसमें काफ़ी सारे गेम्स हम लोग डिस्प्ले करेंगे, जैसे शूटिंग है, कराटे है, और ये एक्सक्लूसिवली एक स्कूल है जहाँ पर सभी तरह की एक्टिविटीज़ हैं। डांस क्लब, म्यूज़िक क्लब तो है ही, उसके अलावा स्विमिंग है, हॉर्स राइडिंग है, शूटिंग है, कराटे है। और जैसा कराटे आजकल के एग्जिस्टिंग क्राइम को देखते हुए कराटे है एंड सेल्फ डिफेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम लोग इसको फोकस कर रहे हैं। रादर हम लोगों ने सभी नेशनल चैम्पियनशिप्स जीती हैं सभी एक्टिविटीज़ की, चाहे वो शूटिंग हो, हमने 36 मेडल्स अप्रैल में जीते, अभी भी हमने 24 मेडल्स जीते हैं। एंड कराटे ऑल्सो रिसेंटली नेशनल चैम्पियनशिप हुई है पुणे में, जिसमें हमने 24 मेडल्स अगेन जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड हैं। सो वी आर डूइंग वेरी वेल। अभी हमारे क्रिकेट चैम्पियनशिप में भी बच्चे नेशनल्स में जा रहे हैं, तो यही सारी एक्टिविटीज़ हम लोग डिस्प्ले करने वाले हैं 17 को एनुअल एथलेटिक मीट में। एंड उसके बाद में फिर 23 को हमारा एनुअल डे सेरेमनी है, और ये स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट और विमेन के चैलेंजेस को फोकस कर रही है। यहाँ तक कि हम लोगों ने उसमें एसिड अटैक, निर्भया हत्याकांड जैसे सेंसिटिव इश्यूज़ को पोर्ट्रे किया है, जो इस एग्जिस्टिंग सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाँ लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स जो वहाँ पर आएंगे, गेस्ट आएंगे, उनको भी हम लोग एडुकेट और अवेयर करेंगे, और इसके साथ साथ जो हमारे जो फ्यूचर सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के, क्योंकि स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमेशा अवेयर कर सकता है इन सारे पॉइंट्स पर, चाहे वो GDs हों, चाहे वो डिबेट कॉम्पिटिशन है। यस सर, यस सर, उसका जो स्पेसिफिक नेम है वो है कलत्र द वुमेन, तो ये वुमेन पे ही बेस्ड है, और सारे सेंसिटिव इश्यूज हमने इसमें रिफ्लेक्ट किए हैं, और वी आर वेरी प्राउड कि हमने ये टॉपिक अभी चुना है, बिकॉज इसे जो हमारे जो अभी भी स्टूडेंट्स जो अवेयर हो रहे हैं, अब जैसे एसिड अटैक हमने रिफ्लेक्ट किया तो हमारे स्टूडेंट्स भी अवेयर हो रहे हैं, चाहे वो बॉयज़ हों, तो कम से कम हम इस यूथ को तो हम लोग अवेयर करेंगे कि आगे जाके सोसाइटी में अगर ऐसी कोई चीज़ होती है या वो देखते हैं तो उसको स्टॉप करेंगे। खुद तो इन्वॉल्व वो कभी भी नहीं होंगे इसके बाद में, दैट आई कमिट, ओके, कि मुझे पूरा बिलीव है अपने स्टूडेंट्स पे कि वो कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे ऐसी कोई क्राइम में, बट एट द सेम टाइम वो इसको स्टॉप भी करेंगे। इसमें हमारे चीफ गेस्ट जो हैं डिवीजन कमिश्नर सर हैं लक्ष्मी नारायण मीना जी, ही इज़ द चीफ गेस्ट फॉर द ओकेजन, एंड ADM सर इज़ द गेस्ट ऑफ द ऑनर, एंड दैट इज़ सुरेश कुमार सिंधी जी। मैम जिस तरीके से आपने बोला कि सारे स्टूडेंट्स इतने सेंसिटिव इश्यूज हैं, जी जी, तो मैम क्या आप उन्हें इस तरीके से एजुकेट करें, क्योंकि अगर कोई छोटा बच्चा है या बच्ची है आप उसे अवेयर करें, तो मैम ऐसी नहीं नहीं ऐसा देखिए जी, सोसाइटी में अच्छी बुरी सारी चीज़ें हैं, और बच्चों को पता होना चाहिए आफ्टर ए सर्टेन एज। मैं एक प्री प्राइमरी किड को समझाने की कोशिश करूंगी तो शायद उसकी समझ में नहीं आएगा या वो नेगेटिवली ले लेगा उस चीज़ को, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है जब उसे समझ में आ जाए, क्योंकि एक तरीका है समझाने का, और डांस एक ऐसा तरीका है कि मतलब इससे ब्यूटीफुल एक एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकता किसी भी प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करने का। जी नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खैर मेरे ख्याल से वो सोसाइटी में देखते भी हैं कि आज मेरे पापा ऐसे नहीं हैं या मेरे ब्रदर ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग सर देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स भी होते हैं, तो बच्चे ये भी जानते हैं कि टेररिस्ट ऐसे होते हैं, दे आर बैड, ओके, दे आर नॉट गुड, ठीक है, दे आर गुड, दे आर बैड, सो दे कैन रियलाइज। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि वो मीडिया से बहुत एक्सपोज्ड हैं, तो उनको ऐसा पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, व्हाट इज़ गुड एंड बैड इन द सोसाइटी, और उनको ये डिफरेंस मेकआउट करना आना भी चाहिए। हम चाहते हैं कि वो एक्सप्लोर करें इस चीज़ को।